नमस्कार, आज हम बात करेंगे गठिये के बारे में। ऐसा क्या भोजन है, खाने में ऐसी पांच क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, और अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे खाने में तो गठिये में इम्प्रूवमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है इंक्रीज़ हो जाता है। शरीर अपने आप को अंदर से हील करना शुरू करता है, क्योंकि ये ऐसा खाना है जो बॉडी के अंदर टॉक्सिफिकेशंस की क्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बॉडी के अंदर मॉर्बिड मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और शरीर उसको पूरी तरह से बाहर नहीं निकालता। सबसे पहले जानना होगा कि गठिया है क्या। गठिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ की बीमारी है, जो एक बार शुरू होती है तो थोड़ा लंबा समय इसका इलाज चलता है, जो मैं अभी आपको खाने बताने जा रही हूँ। अगर हम इस तरह का खाना खाते हैं तो खाना खाते ही शरीर के अंदर सूजन जो है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, और जब भी इन्फ्लामेशन बढ़ती है उसके साथ साथ दर्दें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और बॉडी के जो टिश्यूज़ लेवल हैं, इवन टिश्यूज़ और सेलुलर लेवल तक ये जो बीमारी है वो डीप इंसर्टेड होती है, और हमारी पूरी बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आयुर्वेद की अगर हम बात करें, आयुर्वेद के अनुसार गठिया एक कुक्ड फूड की बीमारी है। कुक्ड फूड का मतलब जब हम खाने को बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवर कुक करते हैं, खाने को बहुत ज़्यादा मात्रा में पकाने के साथ उसके सारे न्यूट्रिशंस, वाइटामिंस, मिनरल्स जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। वो खाना सिर्फ हमारे पेट को भरता है लेकिन किसी भी प्रकार से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं देता है। हमारी बॉडी को जितनी भी चीज़ें चाहिए, खनिज चाहिए, लवण चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए, वाइटामिंस चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो पूरी तरह से उस खाने में जल चुके होते हैं। वो जस्ट एक फॉल्स फूड होता है जो हम अपने मन की शांति के लिए खाते हैं। अब मैं बताऊँगी आपको कि कुक्ड फूड की बीमारी यानी कि गठिया ये इस तरह की बीमारी है जिसको अगर हम जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतनी ही जल्दी उसका उपचार जो है वो शुरू हो जाएगा। और आयुर्वेद हर टाइम में दवाई के साथ ही उपचार नहीं करता है। आयुर्वेद एक बहुत अच्छा जीवन जीने की एक शैली है, एक लाइफस्टाइल है जो आपको अपने अंदर अडाप्ट करना चाहिए, अपने बच्चों के अंदर अडाप्ट करना चाहिए, सारी जो करंट जनरेशन से नेक्स्ट आने वाली पीढ़ियों तक जो है ये अच्छे लाइफस्टाइल की प्रक्रिया को ही हमने आयुर्वेद का नाम दिया है। तो मेडिसिन एक सेकंड कैटेगरी आ जाती है, लेकिन जब आपको पता चल रहा है कि आपको जोड़ों में दर्दें हो रही हैं, सूजन हो रही है, आपके हाथ पैर धीरे धीरे अकड़न जकड़न आना शुरू हो रही है, उंगलियां मुड़ना शुरू हो रही हैं, टेढ़ी होना शुरू हो रही हैं, आपको रोज़ ही बुखार रहता है, रोज़ ही किसी तरह की इन्फेक्शन रहती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, शरीर बहुत ज़्यादा टूट रहा है, हड्डियों के अंदर सूजन आ रही है, अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण महसूस होना शुरू करते हैं तो दवाइयों से पहले जो मैं आपको अनाज बताने जा रही हूँ, जो आपको खान पान बताने जा रही हूँ, इसमें पांच चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बंद कर देनी चाहिए इमीडिएटली, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि वो क्यों बंद करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले अगर आपको गठिया डायग्नोज हो गया है या जो लक्षण मैंने बताए हैं आपको परसिस्ट कर रहे हैं पिछले 3 से 6 महीने के बीच बीच में, लगातार आप इन्हीं चीज़ों के साथ जूझे जा रहे हैं, तो खाने में बदलाव कीजिए। सबसे पहली चीज़ जो गठिया में अवॉइड करनी है वो है ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता है दूध, दही, पनीर, मलाई, मिठाई, खोया या पेस्ट्रीज, केक, इस तरह की चीज़ें जिनमें डेयरी प्रोडक्ट्स यूटिलाइजेशन की जाती है, आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी ही बंद कर देनी चाहिए। इनको बंद करने का एक सबसे प्रमुख कारण है क्योंकि ये जितना भी खाना है ये बहुत ज़्यादा नेचर में हैवी होता है। इस खाने को पचाने के लिए आपको बहुत, आपकी जठराग्नि जो है, आपका स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुक्ड फूड डिज़ीज़ है, ये बीमारी अक्सर उन्हीं लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है जिनका पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती है। जब आप ये चीज़ें खाना बंद करेंगे, आप लाइट खाना लेंगे, तो वो खाना जो है आपको जल्दी पचना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो हीलिंग, बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी होती है उसको एक टाइम मिल जाता है आपके शरीर के अंदर अपने आप से सफाई करने के लिए। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाती हैं पल्सिस, दालें। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हम आज बात कर रहे हैं, आयुर्वेद ये कहता है कि जितने भी द्विदल हैं, दो दालें, मतलब एक
कोई भी बीज आप समझ लीजिए, उसके दो पार्ट होते हैं। दालों का मतलब दो चीज़ों से जुड़ के एक चीज़ बनी है, और ये प्रोटीन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल रहता है इसमें। और आजकल हमारा दालें बनाने का तरीका पुराने समय जैसा नहीं रहा है। आजकल हम जो भी दाल बनाते हैं उसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं, जिसके कारण उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, जस्ट वो टूट जाता है, लेकिन वो हमारे शरीर में पचने के लायक नहीं रहता है। इसीलिए हैवी प्रोटीन होने के कारण, और दूसरी बात ये कि जितनी भी दालें हैं वो शरीर के अंदर वायु तत्व को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कर देती हैं, बढ़ावा देती हैं। जितनी भी दालें हैं, आप कभी भी अगर दालें एक्सेस में खाओगे या गठिये वाले पेशेंट्स दालें लेंगे, तो उनको साथ साथ में ही दर्दें जो हैं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आमतौर पे एक छोटी से छोटी दाल जो है वो पचने के लिए 7 से 8 घंटे का टाइम ले लेती है, और सारा टाइम हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम में पड़ी रहती हैं, पूरी तरह से कई बार नहीं पचती हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे कि तीसरे नंबर पे ऐसा कौन सा फूड है जिसको अवॉइड करना चाहिए। जितना भी प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड है उसे हमें बंद कर देना चाहिए। बंद का मतलब कम्प्लीटली उसको बंद करना चाहिए, अपनी डाइट से पूरी तरह से उसको बाहर निकालें। उसका कारण ये है, जितना भी रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड है, सबसे पहले उसमें एक पॉइजन का कंटेंट रहता है। जितना भी फूड है, आप ये सोचिए कि हम नॉर्मल खाना जो है वो एक या दो दिन के बाद, अगर आपने फ्रेश ताज़ा भी बनाया है, अगर आप उसको बिना रेफ्रिजरेटर के रखते हो, तो वो एक या दो दिनों के बाद बाहर रख के देखिए, वो सड़ना और ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी हम ये प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड लेते हैं, वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो इतने समय तक साफ़ और सुरक्षित कैसे है। आप अगर उस पर एक प्रयोग करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। तो जितनी भी हम ये प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड ले लीजिए, उसको बाहर रखिए, आप देखेंगे कि उसको इवन कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं, और उसमें कोई घुन नहीं लगता है। इसका मतलब कि जानवरों को, छोटे से छोटे जीव को भी समझ है कि उस खाने के अंदर कोई भी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, वो एक तरह से डेड फूड है। डेड फूड के साथ साथ उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में लगा है, जो जैसे ही आपके शरीर के अंदर जाएगा, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारियों को एग्रावेट करेगा, और आप पहले से ही एक बहुत क्रॉनिक बीमारी के साथ जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड जो है गठिये वाले पेशेंट्स को, या जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज से जो लोग ग्रस्त हैं, उनको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप जाने अनजाने में पॉइजन का कंटेंट जो है अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। अभी हम बात करेंगे फोर्थ कैटेगरी के फूड के बारे में, जो हमें अवॉइड करना चाहिए, वो है एनिमल फूड। जितना भी नॉन वेज खाना है वो आपको बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए, मैं आपको अभी उसके बारे में बताती हूँ। जितना भी नॉन वेजिटेरियन खाना है, सबसे पहले अगर हम अंडों की बात करें, तो सबको पता है कि जितने भी पोल्ट्री का बिजनेस रहता है उसमें केमिकल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, सो दैट कि वो बहुत ज़्यादा अंडे जो हैं वो देते रहें, एक नेचुरल प्रोसेस से बियॉन्ड भी वो अंडे देते रहते हैं। तो इससे आपके हार्मोन्स जो हैं वो काफ़ी लेवल तक इम्बैलेंस हो सकते हैं, और गठिये से जूझ रहे मरीजों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो आना शुरू हो सकती हैं, जैसे कि वो कंसीव नहीं कर सकती हैं महिलाएं, या फिर उनको पीरियड्स में दिक्कत रह सकती है, या मेंस्ट्रुएशन पेनफुल रह सकती है, या आपका फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, या बहुत ज़्यादा फ्लो हो सकता है हैवी क्लॉटिंग के साथ, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन रह सकता है अगर हम अंडे लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे नॉन वेज में आ जाता है कोई भी चिकन या मटन। सबसे पहले उनकी तासीर जो है वो बहुत ज़्यादा, मटन की तासीर ठंडी रहती है, चिकन की बैलेंस में रहती है, लेकिन जब आप इस तरह का खाना लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये खाना इस तरह का है जो हैवीली वायरसेस के साथ ओवरलोडेड होता है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद मैं बात करूँ तो ऐसे पेशेंट्स की जठराग्नि या पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, और इस तरह के खाने को पचाने के लिए आपके शरीर में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, फिट हो, फाइन हो, तभी नॉन वेज फूड आपके लोगों के लिए एडवाइस्ड है। अगर आप एक बीमारी के साथ पीड़ित हो तो आप लोगों को ये खाना कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी नॉन वेज आज खाते हो तो आपको जानकर ये हैरानी रहेगी कि वो नॉन वेज आपके शरीर के अंदर कम से कम मैक्सिमम
45 दिनों तक पड़ा रहता है पूरी तरह से, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपके सिस्टम से पूरी तरह से कभी भी बाहर नहीं निकलता है, उसको कम्प्लीटली वॉश ऑफ होने के लिए 1.5 महीने का समय लग जाता है। और ये खाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस करके मैक्सिमम जितने इस बीमारी के साथ पीड़ित पेशेंट हैं वो इस चीज़ों को बंद कीजिए, नॉनवेज आपको बंद करना चाहिए। अब जितना भी सी फूड के बारे में अगर हम बात करें तो सी फूड एक्चुअली इसके नेचर में बहुत हैवी होता है। अगर हम फिशेस की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी रहती हैं, उनको पचाने के लिए आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। सो ओवरऑल बात यह है कि जितने भी पेशेंट गठिए के साथ जूझ रहे हैं उनको एनिमल फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, अंडे बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। अभी हम बात करेंगे 5वें नंबर के फूड की कैटेगरी में कि आपको 5वें नंबर पर ऐसा क्या भोजन है जो आपको नहीं करना चाहिए, और आप लोग हैरान हो जाओगे इस खाने के बारे में जान के। 5वें नंबर पे आ जाता है हमारा गेहूं, वीट, जी हाँ गेहूं का आटा, कनक का आटा। जितने भी गठिए के साथ पीड़ित लोग हैं या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ की कैटेगरी में जिसको भी इस तरह की कोई बीमारी है, आपको गेहूँ जो है वो पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये गेहूं का जो आटा है ये पूरी तरह से चिपचिपा आटा होता है, जो जैसे आप खाओगे इसको तो ये आपकी आंतों को चिपक के उसके जितने पोर्स हैं उनको पूरी तरह से बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और ये जो आटा है वो पचने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, 8 से 18 घंटे के बीच में ये खाना जो है हमारे शरीर के अंदर पचना शुरू होता है। जितने भी गठिए से जूझ रहे पेशेंट्स हैं उन सब की जो छोटी आंतें हैं वो लगभग पूरी तरह से बंद होने के कगार पे ही होती हैं, जिसको हम लीकी गट भी कह देते हैं बेसिकली। और जिन लोगों को लीकी गट की प्रॉब्लम रहती है, अगर आप ये गेहूं का आटा खाओगे तो उसके साथ आपकी दर्दें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, आपके शरीर में सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन सूजन को बढ़ाने वाले आहार हैं। और इसके साथ साथ आपका खून जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, आपकी बॉडी में छोटे जोड़ों के आसपास कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाएगी। ऐसे पेशेंट जिनको गठिए की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज़, कोई भी बीमारी है, उन लोगों की छोटी आंतें जो हैं उनमें खाने के न्यूट्रिशंस को सोखने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है। ज़्यादातर जो आंतें हैं वो कम से कम ब्लॉक होने की कगार पर होती हैं, जिसकी वजह से खाना पूरी तरह से पचता भी नहीं है, आंतों के अंदर सड़ता है। और जब ये खाना सड़ता है तो ब्लड के साथ मिक्स होके यही हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस को पूरी तरह से ब्लड में मिक्स कर देता है, या जिस ऑर्गन तक लेके जाना होता है उन्होंने, जितने भी हमें विटामिंस मिनरल्स चाहिए वो सारे जो लेके जाने होते हैं वो पूरी तरह से एक हम कह सकते हैं कि टॉक्सिफिकेशन फॉर्म में पहुँचते हैं और हमारे शरीर में सूजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सो आज इस वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी है कि ऐसे कौन से 5 तरह के खाने हैं या फूड हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे नंबर 1 पे आ जाता है सारी तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स, दूसरे नंबर पे आ जाती है सारी तरह की पल्सेस, तीसरे नंबर पे आ जाता है रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, 4th कैटेगरी है नॉन वेजिटेरियन फूड, अंडे मांस मछली हर तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, और 5वें नंबर पर है गेहूँ, वीट। ये 5 आहार अगर आप अपनी डाइट से पूरी तरह से बाहर निकाल दोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी जो है हीलिंग की तरफ, ठीक होने की तरफ आपका शरीर जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा है। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी है ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से खाना है जो आप लोगों को गठिए में ज़्यादा खाना चाहिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और उसकी सारी जानकारी जो है नीचे दिए हुए लिंक्स के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे क्लिक करके देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।